ऑल राइट, सो हे गाइस, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग भी सरप्राइज हो रहे हैं कि अरे ये क्या हर बार अलग अलग बाइक आ रही है, फ्यूरी किधर है हमारी? तो आज उसी को लाने जा रहे हैं। एक्चुअली जैसे मैंने लास्ट ब्लॉग में आपको बताया था कि फ्यूरी थोड़ा शोरूम में है हमारी, उसमें कुछ अच्छा खासा काम आ गया था जो कि बनाने के लिए हमने दिए थे। और आज का ब्लॉग मैंने पहले आपको उसी ब्लॉग में एक्सप्लेन करने वाला था कि क्या हुआ है, बट मुझे लगा इसके बाद डेडिकेटेड वीडियो आना चाहिए क्योंकि जो इशू आया था ना आरआर में, वो एक्चुअली सभी ओनर्स को पता होना चाहिए। जो भी आरआर ओनर है उन सभी को पता होना चाहिए कि ये इशू आने के बाद क्या करना है, कैसे रिजॉल्व होता है। तो मैं सोचा था उसके ऊपर आपको डिटेल में ब्लॉग बताऊँ, इसके लिए मैं अभी निकला हूँ। और ये हमारा बैकअप, जो बोलते ना हर एक ब्लॉगर के पास एक बैकअप बाइक होती है जो एक मोटो ब्लॉगिंग में वो यूज़ करता है उसकी मेन बाइक, और ये होती है उसकी बैकअप बाइक। तो वैसे ही ये हमारी यूनिकॉर्न हमारा बैकअप है जो कि आज हमेशा यूज़ आती है। बट तो अभी आप लोग पूछ रहे होगे कि दो दो हेलमेट किधर लेके जा रहा हूँ, तो ऑब्वियसली बात है क्योंकि अभी मैं जा रहा हूँ मोटो ब्लॉग करते करते, बीच में अभी एक फ्रेंड मेरे साथ में आएगा क्योंकि ये जाने के लिए हमें एक बाइक लगेगी, आने के लिए दूसरी बाइक भी लेके आनी, तो दो लोग ज़रूरी है। तो आधे समय वो बाइक ले लेगा और मैं जो हूँ अपना आरआर लेके आ जाऊँगा, को बताऊंगा कौन से पार्ट का इशू हुआ था, क्या हुआ था, कैसे रिजॉल्व हुआ, वो कितना कॉस्टिंग आया उसका, वो सब मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके लिए मैंने शोरूम वाले को भी बोल के रखा है कि भाई जब तक मैं आऊँगा नहीं तब तक वो पार्ट रिप्लेस मत करना, क्योंकि दिखाना होगा कि एक्चुअली इशू किधर था। तो ताकि आप लोग के साथ अभी कभी अगर ऐसा इंसिडेंट होता है तो आप लोग को पता होगा आगे क्या करना है, ये क्या रीज़न रहेगा। मोस्टली ऐसे ही होता है कि हम लोग को कुछ इशू आता है तो पता नहीं चल पाता, क्योंकि सब ये जब हम टैप कनेक्ट करते तब उसमें सब जो इशू रहता है वो फेच होता है। अच्छा, आपको थोड़ा भी आपको भी नॉलेज मिल जाएगा, इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगा कि क्या करना होता है आरआर में। इसके लिए आज का ब्लॉग ये, क्योंकि आज का ब्लॉग जो रहेगा वो इन्फॉर्मेटिव रहेगा आपके लिए। सो ब्लॉग को पूरा देखो, वैसे इधर ही किधर तो था वो। यस येर ले रहा है गाड़ी, मस्त चल ले गाड़ी ले, मैं नहीं ले रहा हूँ। किधर है अपनी फ्यूरी? चाल चाल आ गई अपनी फ्यूरी, फुल वॉश विश करके पहले से रेडी थी। पूरी खुल गई है यार, लग गया अभी भाई। ये क्या चलता? शॉर्ट चल रहा है। हाँ ओल्ड वाला है क्या? हाँ ओल्ड वाला है। स्पार्क लग भी गया था? हाँ। ब्रांडिंग सब बीएमडब्ल्यू की है। प्लग खराब है। इसमें हाँ इसमें भी ब्रांडिंग बीएमडब्ल्यू की है। पार्ट बस है वह, नाम भी सब बीएमडब्ल्यू है। बेचारे सूरज भाई, ये सूरज भाई ने बहुत मेहनत लिया इसके लिए, इतना एफर्ट लिया ना, हर एक शोरूम में चेक किया था इन्होंने पार्ट के लिए, क्योंकि पार्ट आ रहा था रिटर्न का नहीं मिलता जल्दी, ऑर्डर करना पड़ता है। और सूरज भाई भाई हर जगह ने मतलब पनवेल हो गया, नेहरू हो गया, खार हर जगह पर उन्होंने चेक किया था, पर्सनली जाके विजिट करके देख रहे थे पार्ट अवेलेबल है कि नहीं। और अभी भी पूरा बाइक उन्होंने फट से, मैंने जब कॉल किया कि भाई हुआ क्या, तो बोले आ जाओ करके, और मेरे आने के पहले सब पूरा रेडी करके रखा है। बस वो पार्ट आपको दिखाना था इसके लिए वो कर रहे थे। हो गई, क्योंकि हमारे बाइक में प्रॉब्लम ये आ रहा था कि आरपीएम ही नहीं ले रही थी, बाइक चालू ही नहीं हो रही थी।
क्या रीजन कैसा रहेगा, क्यों क्या रहेगा वो? क्योंकि मेरा गाड़ी तो खड़ा ही था, 11-12 दिन से खड़ा था। क्या है वो जो ये ना इग्निशन कॉइल बोलते हैं उसको? हाँ हाँ, सीधा करंट सप्लाई करता है। एक बार हाई वोल्टेज करता है उसमें तीन ये सॉकेट है, एक तीन वायर है तो काम नहीं कर रहा था ठीक से, इसलिए प्रेशर भी नहीं आ रहा था फ्यूल पंप। हाँ, तो प्रेशर भी नहीं आ रहा था इसकी वजह से वो स्टार्टिंग प्रॉब्लम दे रहा था। ऐसा नहीं है एक रिटर्न में प्रॉब्लम है, ये अभी तक बहुत रिटर्न में प्रॉब्लम आ चुका है। वो टाइम पे और एक रिटर्न खड़ी थी उसको भी सेम प्रॉब्लम था। अच्छा, बटला कॉइल मतलब जो इग्निशन कॉइल और स्पार्क प्लग, उसके अंदर वो कंप्रेसर नहीं बना पा रहा था इसलिए गाड़ी चालू नहीं हुई। ओके, गाड़ी बाकी पूरा स्मूथ हो गया, कुछ भी बोलो। तो बस एक क्लच में लग रहा था, क्लच भी अभी सॉफ्ट हो गया है पूरा। अब पहले वाइब्रेशन बहुत आते थे गाड़ी में, अभी फिल्टर वगैरह भी, मतलब जो एयर फिल्टर वो सब था वो भी हम लोगों ने चेंज किया बाद में। जो बीच में मतलब ऐसा इशू फेस कर रहा था, मुझे लगा था वो पेट्रोल में कुछ पानी भी नहीं गया रहेगा, इसके लिए एक जग करती थी बाइक बीच में। अभी वैसा तो कुछ नहीं, कंटिन्यूस चल रही है। चला नहीं के? चला, अरे घुमा कर, अरे कर सच्ची कर। ओके ओके, चलो बाइक तो पूरी ओके हो गई, अभी बिलिंग का जाके देखता हूँ। कितने की चपट लगी है? 4,700 4,800 की। क्या कहे, स्पार्क प्लग इग्निशन लेबर चार्ज तो ये इतना जो है वो सामने ही है आपके। चलेगा, चलो मार लेता हूँ। बाइक तो एकदम पावर हो गई अभी। बहुत दिनों के बाद हार हार हाथ में आई, एकदम अलग ही लग रही है मेरे को। और शायद इसमें हवा भी थोड़ी कम है, हवा भी फील करा लेता हूँ। बाकी बहुत मतलब बोले ना, इतने दिन के बाद हाथ में आई है ना, एकदम नया नया फील दे रही है पूरी। सो दैट्स इट, देखा आप लोगों ने कितना लगा है, कुछ 5,000 के आसपास ये खर्चा निकला मतलब टोटल, क्योंकि उसका इग्निशन कॉइल ही सबसे ज़्यादा कॉस्टली था। मैंने जैसे बताया 3,000 के आसपास था, और बाद में हमने स्पार्क प्लग भी चेंज किया क्योंकि वो बोल रहे कुछ रस पकड़ लिया था उसको, तो उससे तो मतलब अभी जब हो रहा है सब काम जो एक साथ में, तो इसमें भी करा देता हूँ, फिर बाद में उसके लिए अलग से आना पड़ेगा। तो वो भी चेंज कर दिया हम लोगों ने, और जो छोटा मोटा था वो तो सूरज भाई ने खुद से ही कर दिया। और बस अच्छा, इतना था जो भी था। आई होप आज का ब्लॉग आपको इन्फॉर्मेटिव रहेगा, क्योंकि जैसे उन्होंने बताया अभी रिसेंटली ये बहुत से आर आर में ये सेम इशू आ रहा है,
क्या इग्निशन कॉइल में करंट सप्लाई प्रॉपर नहीं हो रहा है और फिर बाद में कॉइल उड़ जाता है और फिर ये करना पड़ता है। सो आई होप मैंने आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव बताया रहेगा और आपको यूज़फुल लगा रहेगा ये। तो अगर ये ब्लॉग आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव या फिर यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ इस ब्लॉग को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और जितने भी आर आर ओनर्स है सबके साथ शेयर करो ताकि वो भी इसके बारे में अवेयर हो जाए। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आई होप यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू एंजॉय डू लाइक शेयर कमेंट और अगर आप चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। टिल देन दिस इज शहबाज साइनिंग ऑफ।